मुजफ्फरनगर और सामने सारा धड़कन डीजे और इसी में बैठे केबिन में अनुज भाई, अनुज भाई गुज्जर धड़कन डीजे वाले। क्या हाल है अनुज भाई? बढ़िया। इन लोगों ने अकेला किंग किया बालाजी शोभा यात्रा मुजफ्फरनगर के लिए और अभी फिलहाल अपने लिए ठंडा वंडा मंगाया। ये इसी के साथ चल रही है शादी की है? इतनी दूर चल रहा मेरे से, लेकिन वाइब्रेशन यहाँ तक आ रही है। जिन लोगों ने बालाजी यात्रा के लिए किया है ना बुक अपना चौधरी डीजे प्रतापपुर को, तो उनसे बात कर लेते हैं। और तो दोस्त एक बात बताओ कि आपको शहजाद भाई और चौधरी डीजे की ही क्यों याद आई? उससे पहले तो आए नहीं है ये, मेरे ख्याल से मुजफ्फरनगर में पहली बार आए हो। पहली बार आए ना शहजाद भाई? तो बालाजी यात्रा एक बड़ी जबरदस्त यात्रा है और एशिया में नंबर वन की तरह से आती है ना, हर साल निकलती है। तो ये शहजाद भाई क्यों याद आया आपको? पहला यात्रा का मेला इन्हें देंगे और पूरा मेला यही ले जाएंगे अब की बार भी। मेला ठीक है। तो दोस्तों इस टाइम मैं हूँ हनुमान चौक सदर और अपना हाथी तैयार है और हम चलते हैं इस टाइम मुजफ्फरनगर। तो दोस्तों आज 24 तारीख है, 24 फरवरी, और मैं जा रहा हूँ इस टाइम मुजफ्फरनगर और अभी बजे हैं शाम के 6:30। तो जाने में और फिर वापसी आने में रात होनी है आज, और मैं हूँ इस टाइम दिल्ली रोड पर। तो मैं, मेरा हाथी, हम लोग जा रहे हैं आज रविदास जयंती के उपलक्ष्य में, क्योंकि मुजफ्फरनगर में आज बहुत 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 सारे डीजे बज रहे हैं और कॉम्पिटिशन होने वाले वहाँ पर, तो चलें। तो दोस्तों मैं हूँ मुजफ्फरनगर और सामने सारा धड़कन डीजे और इसी में बैठे केबिन में अनुज भाई, अनुज भाई गुज्जर धड़कन डीजे वाले। क्या हाल है अनुज भाई? बढ़िया। तो ये है धड़कन डीजे, मेरठ के दिलों की धड़कन और हर किसी का दिल अजीत धड़कन। हेलो हेलो भाई, एम्बुलेंस लिखवा दो, ये थोड़ी व्यवस्था बनाओ भाई, पहले एम्बुलेंस लिखवा दो, यही बजेगा भाई, थोड़ी व्यवस्था बनाओ भाई, व्यवस्था बनाओ।
अकेला किंग किया बालाजी शोभा यात्रा मुजफ्फरनगर के लिए। और अभी फिलहाल अपने लिए ठंडा वंडा मंगाया, मैं तो मना कर रहा था। और यहाँ देख सकते हैं ये इसी के साथ चल रही है शादी की है। और दोस्तों अगर सामने की बात करूं, अगर मैं सामने की बात करूं तो यहां पे जा रहा है चौधरी डीजे प्रतापपुर, शहजाद भाई का चौधरी डीजे प्रतापपुर। दोस्तों अपने आप में ये भी एक ब्रांड है और बहुत तेजी, जिसे कहना चाहिए ना बहुत तेजी के साथ ऊपर की तरफ उभरता हुआ रहा। बड़े बड़े डीजे को तक कर देने के लिए शहजाद भाई ने बड़ा गजब का सेटअप लगा रखा है। तो दोस्तों यहाँ आपके भाई का राकेश भाई हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ तो इस चौधरी डीजे की, तो दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया धड़कन डीजे, क्या गजब का बज रहा था या फिर बज रहा है यहाँ पर चौधरी डीजे। भाई साहब सच में हिला रखा, कितनी दूर चल रहा है मेरे से लेकिन वाइब्रेशन यहाँ तक आ रही है। तो चौधरी डीजे भी जैसे मैं बता रहा हूँ कि गजब का ही बजता है, और भाई साहब बड़े बड़े डीजे को बहुत जल्दी पीछे धकेल देगा, ये मेरी गारंटी है। चौधरी डीजे प्रतापपुर। ऐसे कूद लो, जनरेटर की आवाज़ भी तो कूद रहे हो। तो दोस्तों लेट हो गया थोड़ा सा आने में लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। ये है आपका चौधरी डीजे प्रतापपुर शहजाद भाई वाला। यहाँ की अगर हम बात करें तो सामने आ चुके हैं शहजाद भाई अपने। शहजाद भाई कैसे हो? राम राम भाई। ये बताओ कैसा रहा मुजफ्फरनगर का एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया मामला रहा। तो अब दोबारा कब उम्मीद है मुजफ्फरनगर? 23 अप्रैल बालाजी यात्रा में। हैंग कर देंगे। तो दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पर लाइट है तो एक मिनट कर ले भाई साहब।
थोड़ी सी यहाँ पर लाइट है क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं शहजाद भाई और जिन लोगों ने बालाजी यात्रा के लिए किया है ना बुक अपना चौधरी डीजे परतापुर को, तो उनसे बात कर लेते हैं और भाई का हम स्टोर का लाइट का फायदा उठाएंगे। भाई का ये स्टोर है यहाँ पर और ये पार्टी है, ये अपने शहजाद भाई तो है ही। तो कौन लोग है जिन लोगों ने बुक किया बालाजी यात्रा के लिए? आप लोगों। तो दोस्त एक बात बताओ कि आपको शहजाद भाई और चौधरी डीजे की ही क्यों याद आई? उससे पहले तो आए नहीं है ये मेरे ख्याल से मुजफ्फरनगर में पहली बार ही आए हो। पहली बार आए ना शहजाद भाई? तो बालाजी यात्रा एक बड़ी जबरदस्त यात्रा है और एशिया में नंबर वन की तरह से आती है ना, हर साल निकलती है। तो ये शहजाद भाई क्यों याद आया आपको? एक एक करके बोलो, सबसे बुलवाऊंगा कावड़ों में हमने। मेरी बात तो सुन, आपकी भी सुनूंगा, इनकी सुन लूं, आपकी भी सुनूंगा। अभी चलूंगा, सब जगह चलूंगा, रुक जाओ एक मिनट। हाँ तो ये जैसे मैं पूछ रहा था कि ये शहजाद भाई का चौधरी डीजे क्यों याद आया? वो इसलिए आया याद क्योंकि हमने सुना था कावड़ों में, ठीक है, हमारे शहर में एक ही कैंटर निकला था कावड़ में शहजाद भाई का, पूरा इलाते में गए थे शहर। बालाजी यात्रा में फोन करा कि बालाजी यात्रा का मेला इन्हें देंगे और पूरा मेला यही ले जाएंगे अब की बार भी, ठीक है। दोस्तों ये एक छोटा सा इंटरव्यू दे रहा हूँ, पूरा नहीं डालूंगा क्योंकि पूरे के लिए मैं मंडे, यही मंडे, कल संडे है, परसों आऊंगा तो पूरा इंटरव्यू आपको मैं तब दिखाऊंगा। अभी तो एक छोटी सी झलक दे दी कि बंदे को चेहरा पहचान लो कौन लोग हैं। तो ये लोग हैं जो चौधरी डीजे को यहाँ पर हैंडल करेंगे और बालाजी यात्रा तो अपने आप में आई, कोई बात नहीं, बताते होने तो ठीक है। तो शहजाद भाई बालाजी यात्रा में मिलेंगे, कोशिश करेंगे उससे पहले भी मिलने एक बार आपसे, ठीक है दोस्तों। आपका नाम बता दो। नागेंद्र कुमार यादव। राजेंद्र कुमार यादव। नागेंद्र कुमार। नागेंद्र कमेटी का मेंबर है, ये हमारी कमेटी का मेंबर है। यस सिंह विकास बाबा भाई हमारे, नकुल भाई हमारे, अरे हमारे भाई है डीजे के, बिल्कुल शहजाद भाई। सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बहुत बढ़िया से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मंडे को इंतजार करना, ठीक है। नंबर मेरे पास आ गया। मुजफ्फरनगर में जैसे आप संत रविदास जी की जो शोभा यात्रा निकल रही है उनकी जयंती के उपलक्ष्य में निकल रही है, तो यहीं पर मुझे कुछ अपने सब्सक्राइबर और मिल जाते हैं जिन लोगों ने किया हुआ अकेला किंग। पूरी वीडियो में दिखाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल उनका आपको मिलवा देता हूँ कौन बनते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये भाई लोग हैं अपने पूरे जिन लोगों ने अकेला किंग किया हुआ है। तो अकेला किंग कैसे याद आया आप लोगों को? उसकी कहानी हमारे भैया बताएंगे। आप भैया बताएंगे? हाँ जी। पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम विवेक शर्मा है। विवेक शर्मा। और आपका? अतुल शर्मा। अतुल शर्मा। शर्मा। आकाश गर्ग। आकाश गर्ग। हाँ जी। ठीक ठीक बनिए, और दो पंडित लोग हैं यहाँ पर। तो ये बताओ अकेला किंग कैसे याद आया? बाकी तो पूरी बात दिन में करूंगा आपके साथ बैठ के। देखो अकेला किंग का जो सबसे मेन रीजन है लाने का वो है रवि भाई। रवि भाई। रवि भाई सुन रहे हैं मेरे लंबू? हाँ भाई रवि भाई। रवि भाई उन्हें देखा था हमने कि उन्हें देखा था गणेश विसर्जन बनाए बाद में देखा हमने भाई हकीकत में जो उसकी टेस्टिंग देखी थी ना बस दिल खुश कर दिया। दिल खुश कर दिया। तो दोस्तों ये पूरा इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा बाद में, अभी तो फिलहाल एक झलक दिखाइए क्योंकि मैं आया था शोभा यात्रा कवर करने और यहाँ पर आज बड़े गजब गजब के डीजे बज रहे हैं, तो इंटरव्यू पूरा बाद में लेंगे। फिलहाल आप लोगों को मुलाकात करवा देगी कौन है अकेला किंग के जो बालाजी शोभा यात्रा में बजवाने वाले हैं, ठीक है दोस्त। मिलेंगे बिल्कुल पक्का आप लोगों से। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी स्वीट्स की शॉप है, आपको नमकीन वगैरह भी मिल सकती है, गोपाल स्वीट्स। आइसक्रीम खानी तो आइसक्रीम का पार्लर भी है आपको यहाँ, क्वालिटी वॉल्स का फ्रिज भाई ने लगा रखा बढ़िया सा, ऊपर बुद्धा की मूर्ति भी है, और इधर की अगर मैं बात करूँ तो स्वीट्स के साथ नमकीन वगैरह है, तो गोपाल स्वीट्स से भाई लोगों के साथ थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करते हैं और फिर भगते हैं मेरठ की तरफ। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों। तो दोस्तों करीब बज रहे हैं 11 और मैं जा रहा हूँ मेरठ की तरफ। तो दोस्तों एक यूट्यूबर की लाइफ में आसान नहीं होती है, बहुत स्ट्रगल रहता है यूट्यूबर की लाइफ में। आप लोग अपने शहर में आराम से अपने बिस्तर में हो और मैं मुजफ्फरनगर से जा रहा हूँ मेरठ। तो यूट्यूबर की लाइफ आसान नहीं है दोस्तों, बहुत कुछ दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ आप कह सकते हैं भैया तेरी मर्जी क्यों गया, तो दोस्तों मेरा शौक है, लेकिन मुझे मेरा शौक है आप लोगों को कुछ नया दिखाने के लिए। तो मैं और मेरा हाथी इस टाइम दौड़ रहे हैं मेरठ की तरफ। तो सामने आ जाता है टोल प्लाजा, सामने दिखाई देता है टोल प्लाजा। तो मिलेंगे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर जाएं, जरूर जाना, जरूर सही जाना दोस्तों, लाइक वीडियो को कर लेना।